I said, the reason as he has come forward is to cooperate to the investigation. That is what he's been doing. And that is what he told me, sir, I'm here, I'm ready to give the cooperation. And one another thing what he additionally requested, especially media, is that kindly don't do any media trial. That is his request to the media. And he says that let there be no conviction even before there being a proper hearing from my end also. So I request and I appeal all the medias, especially English as well as Kannada channels, you have your work to do, but let it not infringe any of his release. राजनीतिक घटनाएं अक्सर व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में गहरा प्रभाव डालती। कभी कभी ये घटनाएं हमें राजनीति के काले पक्षों से भी रूबरू कराती। कर्नाटक के हसन से सांसद और फरार प्रज्वल रवेन्ना का मामला भी ऐसा ही एक उदाहरण। यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामलों में आरोपित प्रज्वल रवेन्ना ने देश छोड़ दिया था और अब वह बेंगलुरु लौटने वाले हैं। क्या उनके लौटने से न्याय मिलेगा? क्या यह राजनीतिक साजिश है या वास्तविकता? इन सवालों के साथ हम इस घटनाक्रम का विस्तृत जानकारी और विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटक के हसन से सांसद प्रज्वल रवेन्ना के मामले पर, जिन पर यौन उत्पीड़न और अपहरण के आरोप लगे और जो अब बेंगलुरु लौटने वाले हैं। प्रज्वल रवेन्ना, जो जनता दल सेक्युलर के निलंबित सांसद है, यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले में आरोपित है। प्रज्वल पर महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें बांटने के आरोप हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिसके बाद कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया से मामले की जांच की मांग की। 28 अप्रैल को राज्य सरकार ने विशेष जांच दल SIG को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। प्रज्वल रवेन्ना 33 वर्ष के हैं और वह हसन लोकसभा क्षेत्र से NDA उम्मीदवार थे। चुनाव के एक दिन बाद 27 अप्रैल को उन्होंने देश छोड़ दिया। इसके बाद SIG ने कई बार समन जारी किए, लेकिन प्रज्वल सुनवाई में शामिल होने से बचते रहे। इंटरपोल ने अब उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। इस बीच SIG ने मामले के दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, नवीन गोडा और चेतन गोडा, जिन्होंने कथित तौर पर प्रज्वल रवेन्ना के अश्लील वीडियो वाली पेन ड्राइव वितरित की थी। प्रज्वल रवेन्ना ने एक समय निर्मित वीडियो में घोषणा की है कि वे 31 मई को SIG के समक्ष में पेश होंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह मामला उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा एक साजिश है और उनका विदेश दौरा पहले से तय था, क्योंकि मतदान के समय उनके खिलाफ कोई मामला नहीं था। आपको बता दें कि इस मामले के कई पहलू हैं जो इसे जटिल बनाते हैं। प्रज्वल रवेन्ना पर लगे यौन उत्पीड़न और अपहरण के आरोप गंभीर हैं और यदि साबित होते हैं तो उनके राजनीतिक जीवन पर गहरा असर डाल सकते हैं। SIT की जांच और नवीन गोडा और चेतन गोडा की गिरफ्तारी इस मामले की गंभीरता को दर्शाती है। साथ ही इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि राजनीतिक साजिशें और व्यक्तिगत जीवन के आरोप अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रज्वल रवेन्ना का यह दावा कि उनके खिलाफ मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और उनके विदेश दौरे का पहले से तय होना मामले को और उलझा देता है। वैसे प्रज्वल रवेन्ना के खिलाफ लगे आरोप उनके राजनीतिक करियर के लिए बड़ा संकट बन सकते हैं। उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और अन्य परिवार के सदस्य, जो कि प्रमुख राजनीतिक हस्तियां हैं, उनके लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती बन गया है। आपको बता दें कि राजनीतिक इतिहास में अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार के मामलों में आरोपित व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के चलते ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन न्यायिक जांच के बाद ही सच सामने आता है। वैसे इस घटना का कर्नाटक की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जनता दल यानी कि सेक्युलर के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है। यदि प्रज्वल रवेन्ना दोषी पाए जाते हैं तो इससे पार्टी की छवि धूमिल हो सकती है और आगामी चुनावों में पार्टी को नुकसान हो सकता है। बाकी इस प्रकार की घटनाएं भारतीय राजनीति में पहले भी देखी गई है। उदाहरण के तौर पर 2023 में आशाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे और वह भी राजनीतिक और कानूनी विवादों में फंसे थे। जब उनके बेटे ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी, तो इस तरह प्रज्वल रवेन्ना का मामला भारतीय राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
यह घटना दर्शाती है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और कोई भी व्यक्ति चाहे वह जितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो न्याय से नहीं बच सकता। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। इस तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो। फिर मिलती हुई एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।